हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड पराठा और मैंने इसमें स्टफिंग की है गोभी की और मटर की। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पराठा बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ज़्यादा यमी होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले मटर बॉईल करने हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मटर लिया हरा वाला और उसको बॉईल किया हुआ है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब तक मटर बॉईल होता है तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो आटे के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें मैंने डाला है आधी चम्मच नमक। अब मैं आटा को नरम गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है, बहुत हार्ड भी नहीं गूंदना है, मीडियम गूंदना है। तो आटे को मैंने गूंद लिया, अब मैं इसको छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए ढककर। जब तक आटा सेट होता है तब तक मैं गोभी को ग्रेट कर लूँगी। मैंने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया था फिर ग्रेट किया है। इसके बाद अब मटर बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इसको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो इसको पीस भी सकते हैं। अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसमें ग्रेटेड गोभी डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें मैश किए हुए मटर 1 कप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को। आप लोग देख सकते हैं मटर और गोभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये स्किप कीजिए लाल मिर्च। इनको अच्छे से हमें भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करके। स्टफिंग रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची। इनको मिक्स कर लेंगे आपस में। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी और 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। स्टफिंग रेडी है। अब हम पराठे बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 लोई ली है मीडियम साइज की। इसको डस्ट कर लूँगी मैं और इसको हमने रोटी की तरह बेलना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच की स्टफिंग ली है। स्टफिंग जितना ज़्यादा भरते हैं उतना ही ज़्यादा पराठा टेस्टी बनता है। अब हम इसके एजेस को सील कर लेंगे और फिर पराठा बेलेंगे। पराठा हमें हल्के हाथों से बेलना है। स्टफिंग पराठे में अच्छे से फैल चुकी है, अब हम इसको सेकेंगे। उसके लिए मैंने एक गरम तवा लिया है, उसमें हम पराठा डालेंगे। और पराठा मैंने एक साइड से 2 मिनट सेक लिया था, अब मैं इसको पलट दूंगी। अब मैं दोनों साइड तेल लगाऊंगी और इनको दोनों साइड से हमें अच्छे से सेकना है मीडियम फ्लेम पे। मैंने यहाँ पे दोनों साइड से ऑयल लगा लिया है पराठे में। आप लोग चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पराठे में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। पराठा एकदम अच्छे से सिक चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप लोग देख सकते हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी बना है, अंदर से बहुत नरम होता है और बहुत टेस्टी होता है। पराठा एकदम रेडी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।